दोस्तों बकरी पालन में टिकने के लिए बहुत कुछ करने होते हैं, उतना भी नहीं जितना आप जाके दूसरा के यहाँ जो मेहनत करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, काम करते हैं, दो पैसे कमाने के लिए हर कोई को करना पड़ता है, उतना भी बकरी पालन में नहीं करने होते हैं, बशर्ते आप मेहनती हों और आपको पता हो कि व्यवस्था किस तरीका से बनाएं, बकरियों का रख रखाव किस तरीका से करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कुछ बड़े बच्चे हो गए हैं, अभी इन्हें नीचे रखा जा रहा है, पहले इन्हें केज पर रखा जाता था। जिस तरीका से छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं उस तरीका से भी पहले केज पर रहते थे, अब इन्हें नीचे रखा गया है और आवश्यकता अनुसार इन्हें चारा वगैरह दिया जाता है और ये बच्चे तैयार हो रहे हैं। ये बड़ी बकरियां हैं, यानी बोर नस्ल के बकरे हैं, और उधर आप जो फीमेल देख रहे हैं ये बोर नस्ल के बकरे हैं और बकरियां हैं। इसके अलावा और भी मेरे पास कुछ हैं, सभी का क्वालिटी में कुछ अंतर होता है, तो जैसा कि आप देखें ये सुपर क्वालिटी में मेरे बाड़े की दो मादा और एक मेल है, मेरे हिसाब से मेरे लिए मेरे औकात के अनुसार सुपर क्वालिटी है, और ऐसे तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है गुणवत्ता का, लेकिन मेरे हैसियत के अनुसार मेरे लिए भी बहुत अच्छी है। और इसी में देखिए मैंने ऊपर बच्चे रखने का भी व्यवस्था बना दिया है, तो कम जगह में सही इस्तेमाल किए करना पड़ता है। और इधर ये बकरियां हैं, ये भी मादा बकरी हैं, ये भी बच्चे दी हैं और कुछ गर्भी थे जो कुछ दिनों में बच्चे देंगी। इधर हमने ब्लैक बंगाल का रखा है, ब्लैक बंगाल मेरे पास पहले से भी था और बर्बरी की संख्या था, तो बर्बरी हमने हटाया है और ब्लैक बंगाल हमने अभी रख रखा है, और धीरे धीरे इनका संख्या जब बढ़ते चला जाएगा तो इनका भी संख्या धीरे धीरे कम करूंगा, या फिर जैसा आवश्यकता रहेगा वैसा रखूंगा। तो कोई भी आप काम करते हैं तो समय पर बदलाव बहुत ज़रूरी है। यदि किसी के कहने पे कि कोई क्या बोलेगा हम बदलाव क्यों करें, तो फिर ये फील्ड में आप नहीं टिक पाएंगे। समय बदलेगा, समय का मांग बदलेगा, आपको बदलने होंगे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि बकरियों का संख्या अभी कुछ कम है, क्योंकि जिन भाइयों का बुकिंग था वो ले गए, और ये बकरी को खाते हुए आप रात में देख रहे हैं तो ये वो बकरियां हैं, या पठिया तैयार हो रही है, जो वो हैं जो डरी डरी सी रहती हैं। और पहले मैं अलग रखता था इनको, फिर झुंड में मिलाया, लेकिन झुंड में बहुत जल्दी बकरियां एडजस्ट नहीं कर पाती इन लोगों को, कुछ समय लग जाता है, दिन में खाना खाने नहीं देती, मारती हैं, तो इन्हें मैं रात में अलग करके खाना देता हूँ। तो इस तरीका से तीन विभाग जो मैंने बनाया है, इससे इसका ये भी फायदा है कि ये बकरियाँ अंदर हैं और ये बीच में खा रही हैं, और ये बाहर का एरिया है जिसे दिन में इस्तेमाल किया जाता है। तो बीच में मैंने खाना दे दिया हूँ, तो कोई इन्हें परेशान नहीं कर रहा, ये मज़े से अपना खा रही है, इनका पेट भर जाएगा। तो खिलाने का कोई टाइमिंग नहीं होता, आप अपने अनुसार देख लें कि आपका क्या टाइम है, कैसे क्या काट पाते हैं। अगर मैं इन्हें रात में खाना नहीं देता तो दिन में तो बिल्कुल खाई नहीं उतना, थोड़ा बहुत खाई हैं, ज़्यादा नहीं खा पाई, तो फिर धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती और बाद में बहुत नुकसान होता। ये देख रहे हैं तीन ब्रीडर बिल्कुल जो बोर नस्ल का है मेरे बाड़े का, जो इसको हम तैयार कर रहे हैं, और ये उन भाइयों के पास जाएगा कि जो भाई मेरे पर भरोसा करा करके मेरे से बुकिंग करा के रखते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं मिक्स ब्रीड की पठिया है जिसे तैयार किया जा रहा है उन भाइयों के लिए जो मिक्स ब्रीड पे काम करेंगे, और ऐसी फीमेल और इस टाइप का मेल लेकर अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों बकरी पालन में अगर आप ईमानदारी से अपना मेहनत करते हैं, सही ब्रीड का चुनाव करते हैं, तो आप कहीं से फेल हो नहीं सकते। मैं एक छोटा सा फार्मर हूं और एक लिमिट में ही काम करता हूं, जो मेरे बाड़े में बच्चे जन्म लेते हैं और जिन भाइयों का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो अपना सोच होता है, वो मेरे से बुकिंग करा के रखते हैं। और बुकिंग आम आदमी कोई क्यों कराए, जैसे जो आप मुझे नहीं जानता वो बुकिंग कैसे कराएगा, पहले कैसे वो भरोसा करके पेमेंट कुछ कर सकता है। तो मैं अपना सर्किल में ही जिनको ट्रेनिंग दिया हूँ, जो भाई मेरे पर भरोसा करते हैं, उनसे बुकिंग लेके रखता हूँ, यानी वो बुकिंग करा लेते हैं और बाद में बच्चे तैयार करके मैं उन्हें देता हूँ, और उन्हें इतना भरोसा रहता है कि बाड़े के बच्चे वैक्सीनेटेड बच्चे हैं तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। वो तीनों ब्रीडर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रेडी है उन किसान भाइयों के पास जाने के लिए, जो किसान भाई मेरे से भरोसा करके, मेरे पे भरोसा करके उन्होंने बुकिंग कराया है, जिनके पास ये बिल्कुल जाने के लिए रेडी है। ये आप ये काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाद में आपको सेल करने होंगे, और आप ये बोलते हैं कि भाई मुझे तो रेट मिलता नहीं है, मैं कैसे सेल करूँगा, तो दिखता है वही बिकता है। पहली बात तो दिखने चाहिए लोग के नज़र में कि आप ये काम करते हैं, उसके लिए शर्म त्यागने होंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, सबको बताना होगा कि हम बकरी पालन करते हैं। ये नहीं सोचना होगा कि मैं बकरी पालन करता हूँ,
लोग जानेंगे तो मुझ पे हंसेंगे, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो सब दिन परेशान रहेंगे। तो एक तो प्रचार बहुत ज़रूरी है जिससे कि लोग को पता चले कि आप ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको ईमानदार रहना होगा, क्योंकि एक को कह देने से आप खराब या बेईमान नहीं हो जाएंगे। आपका जो रिजल्ट है, जो आप पब्लिक को दिए, वहाँ से जो पब्लिक का भरोसा आया और जो किसान बेचारे ले गए मेहनत का पैसा लगाए और उनको उसके अनुरूप बकरियां बीमार नहीं हुई यानी स्वस्थ है, कहीं से कोई वायरल बैक्टीरियल बीमारियों का चक्कर नहीं पड़ा, यानी आप लगातार वैक्सीन लगा के रखते हैं, तो फिर एक बार ले जाने के बाद वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को आपका बात को रेफर करेगा, आपका प्रचार होगा और फिर आपका बिजनेस होगा। क्योंकि ज़रूरत तो सभी को है दोस्त, बस एक डर है कि कहीं गलत जगह से मैं जानवर खरीद लूँ तो कहीं फंस ना जाऊँ, इसलिए लोग भरोसा जल्दी नहीं कर पाते। तो भरोसा तोड़ना बहुत आसान है, बनाने में वक्त लग जाता है और उसके लिए बहुत कुछ त्याग करने होते हैं, यानी एक सही रेट, एक ईमानदारी से वैक्सीनेशन, खुद के फार्म के तैयार बच्चे और बिल्कुल कंप्लीट वैक्सीनेशन और खुद के तैयार बच्चे, रख रखाव, हर परिवेश में हर माहौल में ढल जाने वाले बच्चे। तो इस टाइप से अगर बना के रखते हैं तो बकरी पालन में कहीं से आपको नुकसान होगा ही नहीं। जैसा कि ये देख रहे हैं कि इन बच्चों को पहले मैं ऊपर केज पे ही रखता था, जैसे बाकी बच्चे अभी आप ऊपर देख रहे हैं केज के ऊपर, तो इन्हें भी रखता था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, अब मैं इन्हें नीचे रखना शुरू किया हूँ और जो भी छोटे बच्चे हैं वो भी केज के ऊपर हैं, यानी लगभग 50 बच्चे के लगभग ऊपर अभी केज में हैं और बाकी बच्चों को मैंने नीचे रखा है। और ये सभी बच्चे हैं जो लगभग बुक हो चुके हैं उन किसान भाइयों के लिए, जैसा कि मैं बोला कि जो मेरे पे भरोसा करते हैं। जैसा ये देखिए शिवा विश्वास भाई का ये बच्चा है, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं शिवा विश्वास, उन भाई का ये बच्चा है, उनका बुकिंग है और बहुत जल्द उन तक ये चला जाएगा, वो आकर ले जाएंगे जैसे ही उनको सुविधा होगा और जैसे ही बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, वैक्सीन लग जाएगा, क्योंकि 3 महीने पे पहला ईटी प्लस टीटी का वैक्सीन लगता है। तो इन बच्चों का अभी 3 महीना नहीं हुआ है जी, तो जैसे ही 3 महीना होगा ईटी प्लस टीटी का टीका मैं लगा दूंगा और ये भाई आके फिर ले जाएंगे। मैं हर परिवेश में ढाल के इन्हें रखता हूँ ताकि कोई भी भाई ले जाएँ तो उन्हें नुकसान ना हो। जैसा कि आप बच्चे को अभी देख रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा और गर्मी बढ़ेगा यानी 10 दिन बाद, तो पूरे रात भर बच्चे को बाहर ही रखा जाएगा ताकि वो बिल्कुल हर मौसम का सामना करने के लिए तैयार रहें। और जो किसान भाई ले जा रहे हैं कम से कम उनको मेरे कारण नुकसान ना हो पाए, तो ये भरपूर प्रयास करता हूँ। संख्या कुछ कम रखना इसलिए शुरू किया हूँ ताकि अच्छे से अच्छे ब्रीड का चुनाव करके उसको तैयार करके किसान भाइयों तक उसका सेवा पहुँचा सकूँ। आदमी, मैं पहले ही बोला, यदि आप समय के अनुसार अपने आप में बदलाव नहीं लाते हैं और दूसरे के बातों में रहते हैं कि फलना ये बोल रहा है, चिल्ला ये बोल रहा है, पहले आप बर्बरी रखते थे अब नहीं रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हम करते थे वही करते रहें, उससे आगे का चीज़ अगर अवेलेबल हो जाए, उससे आगे का अगर पूंजी हो जाए तो उससे आगे का बिजनेस भी किया जा सकता है। कोई भी नस्ल ख़राब नहीं होता, बशर्ते यही होता है कि उससे भी और भी कुछ अच्छा है, तो अच्छा पर क्यों नहीं किया जाए। जब हम वहाँ तक पहुँच गए, हमारा लेवल वहाँ तक पहुँच गया कि अब हम संभाल पाएंगे, तो क्यों ना उससे अच्छे पे काम किया जाए। ये सोच के आदमी ब्रीड में बदलाव करता है, ऐसा नहीं है कि वो ब्रीड पहले अच्छा नहीं बोल रहे थे अब अच्छा इसको बोल रहे हैं। मैंने कभी किसी ब्रीडों को गलत नहीं बोला या फिर अच्छा नहीं बोला। जिसका जैसा आवश्यकता है, जिसका जैसा बढ़वार है, ग्रोथ है, उसके अनुसार ही काम करें। फील्ड में टिकना है तो दूसरे के बातों पर विशेष फोकस न दें और सफलतापूर्वक फार्मिंग करें। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि, प्रणाम।